निस्तारण का मुद्दा सदन में उठाया गया। आपको बता दें कि विधायक ज्ञान चंद पारख ने ये मुद्दा उठाया था। मंत्री मेघवाल ने इसका जवाब दिया, कहा कि पेंशन मामले में सरलीकरण किया गया है, पालनहार के लिए नवंबर दिसंबर में तय कर दिया है, भुगतान को लेकर 30 दिसंबर और जनवरी तक भेज दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र है, 10वां दिन आज है, तो वहीं आज पालनहार योजना का मुद्दा उठाया गया था, जहां पर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन पर है। दर्शक जानना चाहेंगे, विधानसभा की कार्यवाही है, 10वां दिन आज है, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, क्या कुछ सवाल जवाब प्रश्नकाल में रहे, क्या कुछ जानकारी है? प्रश्नकाल की कार्यवाही में खास तौर पे अगर बात करें तो एक तो जो वन क्षेत्र में जो चार प्रमुख पक्षी हैं उनकी मौत का मामला गूंजा। भरत सिंह कुंदनपुर ने ये मामला उठाया और कहा कि प्रदेश में चार जो पक्षी है जिसमें गोदावण है, मोर है, गिद्ध है और सारस है, इनकी प्रजाति लगातार विलुप्त हो रही है, जिसको लेकर सरकार क्या दिशा दिशा तय करेगी। इस पर मंत्री ने कहा कि लगातार सरकार इस मामले में प्रयास रख रहा है और कहीं पर इस तरह की शिकायत आती है तो वहां पर काम किया जाता है। एक दूसरा सवाल जो है वो थानागाजी अलवर से जुड़ा था, जिसमें खासकर जो शकुंतला रावत उनकी तरफ से सवाल लगाया गया था कि आंगनबाड़ी जो कार्मिक है उनका जो बीमा होता है वो कब से बंद है या किन किन मदों में दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। जिस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने अभी LIC के साथ MOU किया है। जी प्रियंका, चलिए दर्शक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है, पाली जिले में पालनहार योजना के प्रकरणों के निस्तारण का मुद्दा आज उठाया गया, तो यहाँ पर विधायक ज्ञानचंद पारख ने ये मुद्दा उठाया। साथ ही आपको बता दें कि प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है। तो वही प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों का मामला भी सदन में उठाया गया था, विधायक किरण माहेश्वरी ने ये मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है, तो वहीं प्रदेश में आयुर्वेद औषधालय के रिक्त पदों का ये मामला था, जहां पर विधायक किरण माहेश्वरी ने मुद्दा उठाया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसका जवाब पेश किया। आपको बता दें, कहा कि विभाग में नर्स कंपाउंडर के रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार ही भर्ती की जाएगी। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।